नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज और मिशन टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं MIUI 10 के फीचर्स के बारे में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, या फिर नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी वीडियो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो जरूर से उस वीडियो को देख लेना। तो पहले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे पहले नहीं, हम लोग जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा और थोड़ा बहुत जो इफेक्ट आपको ब्लर वाला जो है बैकग्राउंड ब्लर वाला सिस्टम मिल सकता है। लेकिन एक्सपेक्ट यही कीजिए कि सिर्फ मार्शमेलो या नोकट या ओरियो बेस्ड ही डिवाइसेस में मिले, लेकिन लॉलीपॉप या किटकैट वाले तो सोचना भी नहीं, क्योंकि भाई पोर्ट्रेट मोड उसमें नहीं मिलने वाली है। मे भी मिल सकता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्शमेलो, मार्शमेलो में भी शायद कम ही चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले अगले चीज़ की, तो ये आ रहा है जेस्चर सपोर्ट के बारे में। अब आप लोग बहुत ही दिनों से पूछ रहे थे कि जेस्चर कब आएगा भाई, Redmi Note 4 में कब आएगा, Redmi Note 3 में कब आएगा। देखो सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, जो जेस्चर होता है ना वो सिर्फ फुल स्क्रीन डिवाइसेस के लिए होता है, यानी कि जिस फोन में ये नेविगेशन बटन नहीं है उसी फोन में आपको जो है जेस्चर मिलेगा। लेकिन Redmi Note 5 Pro, हाँ जैसे Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5 या Redmi 5 ये सब डिवाइसेस है, या फिर Mi Mix 2S है, तो उन सब डिवाइसेस में जेस्चर मिलेगा। लेकिन जैसे ही MIUI 10 होगा ना, तो हो सकता है कि Xiaomi का जो दिमाग है वो थोड़ा बदल जाए और वो जेस्चर्स को जो है इनेबल कर दे कम से कम Redmi Note 4, Redmi Note 3 जैसे डिवाइसेस के लिए, यानी कि जो भी मार्शमेलो पे है, नोगट पे है और ओरियो पे है, उन सभी डिवाइसेस के लिए जो है वो इनेबल कर दे जेस्चर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि उनमें है नेविगेशन बटन्स, तो यहाँ पे ऐसा फील होता है कि जो जेस्चर्स आएगा ना वो सिर्फ स्वाइप बैक और स्वाइप फॉरवर्ड करने के लिए होगा, नीचे से कोई रिसेंट के लिए जेस्चर नहीं होगा, नीचे से कोई जेस्चर नहीं होगा जैसा Redmi Note 5 Pro में मिल रहा था वैसा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ स्वाइप बैक स्वाइप करने के लिए हो जाएगा। और कुछ कुछ जो है आपको और भी जेस्चर्स मिल जाएंगे जो कि अलग ही थोड़ा सा होगा इन सभी जेस्चर एक्सपीरियंस से। लेकिन देखिए क्या होता है अब अगला, फिर फीचर्स की बात की जाए तो मिल जाएगा यहाँ पे आपको एनिमेशन का, मतलब बेटर एनिमेशन यहाँ पे मिल सकते हैं। बेटर एनिमेशन बोले तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है ट्रांजिशंस में, तो ये सारे चेंजेस जो आप जब ओपन करोगे एप्लीकेशन तो वहाँ पे अलग एनिमेशन मिल सकता है, तो ये थोड़ा बहुत जो है बेटर बनाया जाएगा। ये तो MIUI का कोर ही चीज है। अगर कोई भी अपडेट देता है MIUI तो भाई थीम को चेंज करता है, वॉलपेपर को चेंज करता है और क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ आइकन को चेंज करता है, तो ये सब चीज़ एकदम आप एक्सपेक्ट कीजिए ही कीजिए। और जो एनिमेशन है या ट्रांजिशन है वो बदलने वाली है, हेविली बदलने वाली है, ये तब मुझे लगता है हो सकता है थोड़े रिंगटोन्स में भी चेंजेस किया जा सके, वो सब कुछ चेंज कर देंगे। रिंगटोन्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे किया जा सकता है, थोड़ा अलग टोन मिल सकता है। वैसे उसका खुद का जो सिग्नेचर टोन है वो तो जाएगा नहीं, लेकिन उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। हाँ, जैसे देखा होगा ना आपने Mi Mix 2 के लॉन्च में एक नया ही टोन लाया गया था उसी सिग्नेचर टोन पे, तो उसी तरह से आपको कुछ और जो एनिमेशन और जेस्चर्स और जो भी है टोन्स वगैरह, तो ये सब तो आएंगे, खास करके वॉलपेपर कैरोसेल 3D वॉलपेपर वो भी और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो ये आता है आपके बहुत ही ज़्यादा सिस्टम कोर कॉम्पोनेंट की तरफ से, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, हमारा रैम मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। अब इसमें जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्या है MIUI 9 में भी, कि रैम मैनेजमेंट अभी उतनी अच्छी नहीं है बीटा रोम पे, हालांकि स्टेबल पे ठीक ठाक है लेकिन बीटा रोम पे रैम मैनेजमेंट अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा फील हो रहा है ना मुझे कि MIUI 10 जो होगा उसे और भी ज़्यादा फास्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि MIUI 9 के बारे में ही कहा गया था कि भाई लाइटनिंग फास्ट है, ये है वो है, शुरू में तो फास्ट लगी थी लेकिन बाद में धीरे धीरे करके स्लो हो ही गई। तो देखिए अब MIUI 10 जो है उसे और भी ज़्यादा फास्ट किया जाएगा और रैम मैनेजमेंट और भी लाया जाएगा और AI प्रीलोडिंग होगा और मशीन लर्निंग होगा, तो भाई फास्ट होने का तो ज़्यादा चांसेस हैं ही। और अगली बात है यहाँ पे कि गूगल प्ले प्रोटेक्शन का यहाँ पे आपको फीचर्स मिल सकता है, जो कि ऑडियो में ऐसा भी मिल रहा है, तो हो सकता है MIUI 10 भी में भी आपको ये चीज़ फीचर्स मिल जाए गूगल प्ले प्रोटेक्शन का। तो गूगल प्ले प्रोटेक्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? गूगल प्ले प्रोटेक्शन पे कहना चाहेंगे कि ये तो मस्ट हैव फीचर है और आपको एंड्रॉयड ऑडियो पे मिल जाता है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन से बचते हैं, ऐसे एप्लीकेशन से जो कि फेक होते हैं जिनमें वायरसेस होते हैं। तो अगर गूगल प्ले प्रोटेक्ट मिल रहा है जो कि इंटीग्रेटेड हो जाए MIUI के सिस्टम में, हालांकि वो फिलहाल अभी नहीं है बस प्ले स्टोर पे है, लेकिन अगर MIUI के सिस्टम इंटीग्रेटेड हो जाए, और ऐसे आपको पता है ना कि Xiaomi का MIUI के सिस्टम में अलग से वायरसेस स्कैनिंग है, अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो पकड़ लेता है, हाँ वो बाद में इसको स्कैन करता है वायरस है कि नहीं ये पकड़ लेता है, लेकिन अगर उसके साथ गूगल प्ले प्रोटेक्ट आ जाए तो फिर डबल धमाका, डबल धमाका और डबल सिक्योर, फिर मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले और आखिरी फीचर के बारे में, वॉइस,
वॉइस असिस्टेंट, अब देखो भाई ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वॉइस असिस्टेंट है वो तो चाइना रोम में ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन जहाँ तक ग्लोबल रोम का बात है उसमें बहुत ही कम चांसेस है आने का, बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन मे बी शाओमी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमेजोन ने अपना एलेक्सा बना दिया है, गूगल ने अपना गूगल असिस्टेंट बना दिया है, आईफोन का तो सीरी है ही, एप्पल का तो सीरी है ही, और उसी तरह से अलग अलग कंपनी तो शाओमी वाले भी अपना कुछ तो बनाएंगे ही। हाँ, तो मे बाई 10 में वॉइस असिस्टेंट जो है आ सकता है शाओमी का अपना वॉइस असिस्टेंट। हाँ, अब नाम क्या रखेंगे वो तो पता नहीं। नाम निकल करके आया था शाओमी AI, XIAO और फिर AI, मतलब शाओमी AI। हालांकि बोलने में बहुत ही ज्यादा जुबान हमारा टूट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ग्लोबल रोम के लिए भी, इंग्लिश यूजर्स के लिए भी वॉइस असिस्टेंट आए। अब देखो भाई ये चाइना है तो हिंदी तो एक्सपेक्ट करना मत, क्योंकि चाइना का भाई कंपनी है, हिंदी पे तो उतना काम करेगा नहीं, लेकिन भाई इंग्लिश में भी आ जाती है शाओमी का वॉइस असिस्टेंट तो एक लगेगा भाई अपना फील होगा, अपनापन फील होना फील होगा तो ये अपनापन फील होगा अगर उसकी वॉइस असिस्टेंट आ जाती है। तो यही सब कुछ फीचर्स थे जो कि आपको मिल जाता है MIUI 10 में, 10 में, और 9 में तो ऑलरेडी हम लोग बात कर ही चुके थे, या फिर MIUI इसको X भी बोल। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो शाओमी का MIUI 10 होगा उसको MIUI X बोला जाएगा, ये आईफोन वाला X, तो भाई क्या लगता है क्या सही होने वाला है? MIUI 10 ही बोला जाएगा, 9 के बाद 10 ही होना है। हाँ, लेकिन तो अगर मान लीजिए कहीं X लिख दिया जाए, बोला जाए 10 लेकिन वहाँ पे लिख दिया जाए X, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि रोमन नंबर में, रोमन नंबर में X का मतलब 10 होता है। हाँ, तो ये हो सकता है कि MIUI X कर दिया जाए MIUI 10 के जगह, और Xiaomi ने प्लानिंग शायद किया होगा। लेकिन आप बताओ आप क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि MIUI 10 को MIUI X कर दिया जाए, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि कॉपी करें वो भी आईफोन का, या फिर ओरिजिनल रहे 9 को 10 बना दें, आप बताओ मुझे। और फिलहाल ऐसे होगा तो लोग और भी कहेंगे ना कि Xiaomi तो भाई पूरा कॉपी है, पिक्चर भी चुरा लिया, इमोजीज भी चुरा लेगा, फिर वॉइस असिस्टेंट भी, सब चोरी कर ले भाई, और चोरी करके भेज दे हम लोग तो फिलहाल के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, और बाकी सारी जो इसके डिटेल्स हैं आपको और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और तो टेंशन नहीं लेने का, हमारे वीडियो को देखते रहने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का, दोस्तों से बोलने का कि भाई इसका वीडियो देखो, और जो हो सके वो करने का, कमेंट में गाली भी दे देने का, कोई दिक्कत नहीं है, गाली भी दे देने का, अपन स्पैम में नहीं डाले। चलिए तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और ऐसे आप लोग हंसते रहना और मुस्कुराते रहना और बने रहना मिश्रा टेक्नोलॉजी चैनल के साथ, और कहते रहना भारत माता की जय। जय हिंद। फोन आ गया, बाय, उठा लीजिए गर्लफ्रेंड का।